हेलो एवरीवन, भारतीय रेलवे में शिक्षक बनने का एक सुनहरा अवसर आप लोगों के सामने आया है। भारतीय रेलवे शिक्षक भर्ती का एक नया एडवर्टीजमेंट जारी हो चुका है। पीजीटी और टीजीटी की पोस्ट रहने वाली है। प्राइमरी टीचर की कोई भी पोस्ट यहां पर नहीं निकाली गई है। यदि आपका पीजीटी टीजीटी में सब्जेक्ट है तो आप जो है जरूर फॉर्म फिल करें, क्योंकि कोई भी एग्जाम यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में यहाँ पर सैलरी 27,500 पर मंथ दी जाएगी। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए 26,250 आपको मिलेगी। जिन स्टूडेंट का बीएड क्लियर नहीं है, सीटेट क्लियर नहीं है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चीज मेंशन की गई है कि विदाउट बीएड भी जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आयु यहाँ पर 18 से लेकर 65 वर्ष रखी गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो रूल है वही जो है यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं। ऑल स्टेट यहाँ पर अलाउ रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पीजीटी और टीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। मेन वेबसाइट पर जाकर ही सारी चीजें चेक करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल सटीक और सही जानकारी दी जाती है। रियल चीजें ही मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। तो अंत तक वीडियो को बने रहे, क्योंकि अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक होती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत आपको ही होगी। नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो 22 सितंबर 2023 को जारी हुआ है। क्लोजिंग डेट रहने वाली है 8 अक्टूबर। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, और अंत में ही जो है आप लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है मिलेगा। इसी को आप लोग डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करके फिल करके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस एड्रेस पर आप लोगों को सेंड करना है। थंबनेल में मैंने शो कर दिया था कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सैलरी जो है 27,500 मिलेगी, और 26,250 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर को पर मंथ दी जाएगी। यहाँ पर लिखा है एज पर केवीएस रूल, केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो नियम होते हैं वही यहाँ पर लागू रहेंगे। एज लिमिट जो है वो 18 से 65 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। तो यदि आपका सब्जेक्ट है, यदि आपके किसी फ्रेंड का सब्जेक्ट है या कोई रिलेटिव में है, तो उनको जरूर जो है बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो है जल्द से जल्द जो है जॉब लग सके उन स्टूडेंट की जो जॉब सर्च कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और बीएड होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही रहेगा, यानी हिंदी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों ही यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए कहा है क्वालिफिकेशन, आपके पास हायर सेकेंडरी 12th है, और 4 साल का अगर आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा है आर्ट पेंटिंग का, तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। या ग्रेजुएशन भी अगर आपने किया है और 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा है, या आपने मास्टर डिग्री अगर ड्राइंग एंड पेंटिंग में ली है या फाइन आर्ट में, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। फाइन आर्ट की बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलती है। पेंटिंग आर्ट्स के लिए जो है कई स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि अगर ड्राइंग पेंटिंग की या फाइन आर्ट की अगर वैकेंसी आती है तो जरूर बताएं। तो यहाँ पर जो है वैकेंसी आई हुई है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में फिजिकल एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन के साथ में बीपीएड मांगा जाता है। अब जिन स्टूडेंट ने बीएड नहीं किया है, तो उनके लिए देखो यहाँ पर एक लाइन बहुत अच्छे से लिखी हुई है, रिलैक्सेशन ऑफ बीएड क्वालिफिकेशन। ठीक है, विदाउट बीएड क्वालिफिकेशन के भी जो आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूर्वोत्तर सीमा रेल यहाँ से वैकेंसी आई है, और वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप लोगों को दिए गए टाइम और डेट पर पहुंचना है। कोई भी यहाँ पर एग्जाम आपका नहीं होगा। सब्जेक्ट आप देखें, पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी अकाउंटेंसी है, पीजीटी बिजनेस स्टडीज है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में टीजीटी फाइन आर्ट है, और पीटीआई की वैकेंसी है। तो ज्यादा वैकेंसी नहीं है पीजीटी और टीजीटी में भी। 3 वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, और 2 वैकेंसी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए है। मैंने आपको बताया कि कोई भी जो है यहाँ पर पीआरटी प्राइमरी टीचर की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। ऐसे ही और भी वैकेंसी आएगी इंडियन रेलवे की तरफ से, तो वो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी जैसे ही एडवर्टीजमेंट जारी होता है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आप पढ़ लेंगे। और ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, ये आप देख लें। और यहाँ पर जो है इसकी ये जो मेन वेबसाइट है, कैसे जो है नोटिफिकेशन आपको मिलेगा मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। तो जो है मेन वेबसाइट पर ही जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट, यानी कि एडवर्टीजमेंट के नीचे ही एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसी को जो है वो आप फिल करेंगे, और दिए गए एड्रेस पर आप लोगों को सेंड कर देना है। अभी एड्रेस मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये देखिए लिखा है डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, तो 11 अक्टूबर 2023 वेनेसडे को 10 बजे
ठीक है, इंटरव्यू रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम यानी आपको पहुंचना है तो उससे पहले ही आपको पहुंचना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, 9 बजे तक आपको पहुंचना है, यानी 8 बजे तक जो है वो आप लोग पहुंच जाएं। ये एड्रेस है, इसको नोट कर लें अच्छे से, ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर, हेडक्वार्टर ऑफिस NF रेलवे, मालीगांव, गुवाहाटी 11। ठीक है, ये एड्रेस रहेगा, और यानी गुवाहाटी से जो है वैकेंसी आई है, पूर्वोत्तर सीमा रेल से। तो यहाँ पर आपने देखा कि वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ पार्ट टाइम स्कूल टीचर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल मालीगांव एंड नेताजी विद्यापीठ रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल मालीगांव। तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल लिखा है कि जो PTI के लिए जो वैकेंसी है वो इसमें आई हुई है, नेताजी विद्यापीठ, ठीक है, इसमें आई हुई है। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी। गूगल पर आप लोगों को सर्च करना है NFR इंडियन रेलवे। आपने सर्च किया, नीचे आप आए यहाँ पर, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर ही जो है लिंक आपको मिल जाएगा इसका। आपने इसको ओपन किया और इस तरीके से आपके सामने जो है ये मेन वेबसाइट जो है, ऑफिशियल मेन वेबसाइट नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ओपन हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आएंगे आप, यहाँ पर जो है सबसे ऊपर ही जो है आपको नोटिस दिखाई दे रहा है, नोटिस टू न्यूली इम्पैनल्ड कैंडिडेट ऑफ RRB, इस पर जो है आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही आपने क्लिक किया तो नोटिस बोर्ड आपके सामने आ गया। यहाँ पर नीचे चले आए, ये देखो आपको लिखा है यहाँ पर, वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर RHSS मालीगांव, ठीक है, ये रहा, इस पर जो है वो आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने आ गया नोटिफिकेशन कंप्लीट, और इसके नीचे ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी, बता दी। तो इसी तरीके से अगर और भी जो है वैकेंसी आती है, जैसे ही प्राइमरी टीचर्स की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की, और भी सब्जेक्ट की, तो वो इस चैनल पर आप लोगों को जरूर मिलेगी नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।